नमस्कार किसान साथियों। किसान साथियों, स्प्रे मशीन का भरपूर प्रयोग चल रहा है गन्ने की फसल में। दिन रात स्प्रे कर रहे हैं हमारे किसान भाई, और जब मशीन पर लोड है तो उसमें समस्या और परेशानी भी आती है। जिस प्रकार ये मशीन है, स्प्रे करते करते देखें यहाँ से इसका पाइप की ये जो है नली, ये फट गई, तो इसे बदलते हैं और अब देखते हैं कैसे बदली जाएगी। घर पर ही बदली जाएगी ये। अगर किसी की साथी के साथ ये समस्या आती है तो घर पर ही बदल सकता है। अब देखते हैं ये मशीन के नीचे तल्ली में इसमें पैंच है, पहले पैंच खोल ले जाएंगे। पैंच खोलते हैं इसके, ये दूसरे वाला पाइप ला के रख लिया है, अब इसको बदल के इसमें लगाएंगे। ये इसके पैंच खोलने स्टार्ट कर दिए हैं, देखते हैं कैसे बनेगा खोल के। घर पर ही बना ले जो हमारे किसान भाई भी, चारों पैंच खुलेंगे। ये इसके सभी पैंच खोल दिए गए हैं, अब इसे ढक्कन को उतारा जाएगा। तो ये पाइप जो है इस पंप में यहाँ पे फिट हो रहा है, ये रहा। अब इस पाइप को इनसे खोलते हैं, ये आ रहा, और ये नए वाला इसमें लगाएंगे। ये पिन खोल दिया गया है प्लास की सहायता से, अब इसे आराम से निकाल देंगे पाइप को। ये पाइप निकल गया, बहुत ही आसान काम था साथियों। और इसी काम के अगर कहीं रिपेयर वाले के लेके जाते काफ़ी टाइम लगा देता और ख़र्चा भी काफ़ी बढ़ जाता। तो ये अब पाइप, इसमें नया पाइप फिट कर दिया गया है, और इसके बाद पैंच खींच दिए जाएंगे और स्प्रे मशीन जो है कंप्लीट होगी दोबारा से चलने के लिए। तो साथियों घर पर भी इस्तेमाल इसे सही तरीके से ठीक कर सकते हैं। और जो साथी हमारे चैनल पर नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।